वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश में जो पिछली बार 2017 में पटवारी का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में जो हिंदी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उन क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों अगर आप पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें देख कर आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे, और साथ ही अपनी तैयारी को भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह एग्ज़ाम 19 दिसंबर 2017 चैप्टर 2 के पेपर में पूछे गए हिंदी सब्जेक्ट से क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देवनागरी लिपि बाईं से किसको लिखी जाती है, दाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट, क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट, किस स्वर की मात्रा नहीं होती है, तो आ स्वर की मात्रा नहीं होती है। गुरु ने शिष्यों को भलीभांति क्या समझाया, गुरु जी ने शिष्यों को भलीभांति समझाया। खाली स्थान, यदि आ या आ के आगे ऋषि आए तो दोनों के मिलने से क्या बनता है, अर हो जाता है। नौका का पर्यायवाची क्या है, तो तरणी इसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट, जो किए गए उपकारों को मानता हो के लिए एक शब्द में से कौन सा है, तो कृतज्ञ होता है। नेक्स्ट, श्रवण का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है, तो श्रोधन अन इसका संधि विच्छेद है। नेक्स्ट, प्रकट का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है, तो इसका गुप्त विलोम शब्द है। नेक्स्ट, उन उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है, तो उन चास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बखूबी शब्द में इनमें से कौन सा समास है, अव्ययी भाव इसमें है दोस्तों। नेक्स्ट, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो घूस देना इसका अर्थ होता है। तदनुसार का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है, तदनुसार इसका शुद्ध रूप है। रही खटकती हाय शूल सी पीड़ा उनमें दशरथ के, इनमें से कौन सा रस है, तो इसमें कर्ण रस है। नेक्स्ट, कहे कभी बैनी वैनी व्याल की सुराई लीनी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें यमक अलंकार है। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त शब्द का विलोम शब्द चुनिए, तो इसका पोषण होता है। शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द पंक्ति चुनिए, तो इसका निष्फल आशीर्वाद ईर्ष्या प्रशंसा है। नेक्स्ट, दो भाषाओं से बना शाम आशिक शब्द कौन सा है, धन और दौलत। सुंदर शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अभिराम अर्थ होता है। नेक्स्ट और लास्ट, गजानन निम्न में से किस समास का उदाहरण है, तो है बहुव्रीय समास का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो है 20 क्वेश्चन जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।